वेलकम बैक टू माई किचन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरा बहुत ही पसंदीदा और कंफर्ट फूड, जो कि है करी पकौड़ा की रेसिपी। और इसको हमारे यहाँ बिहार झारखंड में करी बरी भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम बनाएंगे पकौड़ी। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन, उसमें मैंने डाला है थोड़ा हल्दी। अब हम उसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार और 1 पिंच मीठा सोडा और थोड़ा अजवाइन क्रश करके डालें और फिर उन सबको आपस में अच्छे से कर लें मिक्स। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक बैटर बनाएंगे। कोशिश करें कि इसमें एक भी लम्स ना हो और उसको अच्छे से फेंटते हुए हमें एक अच्छा सा बैटर बनाना है। बैटर आपका बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, कोटिंग कंसिस्टेंसी टाइप का होना चाहिए। और अगर आप उसको अच्छे से फेंटेंगे तो आपका जो वैसे तो हमने मीठा सोडा ऐड किया है, बट स्टिल अगर आप उसको हल्का सा फेंट लेंगे तो आपका जो पकौड़ी है वो बहुत अच्छा सॉफ्ट बन के आएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। उसके बाद हमने अपना कढ़ाई चढ़ाया है तेल गरम होने के लिए, ताकि अपने पकौड़ों को तल सके। तो हमारा जैसे ही तेल गरम होगा हम इसमें डालेंगे अपने पकौड़ी। बेसन को मैं चम्मच यूज़ करती हूँ, बहुत सारे लोग हाथ से भी कंफर्टेबल होते हैं डालने के लिए, तो आप जैसे चाहे वैसे उनको तल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपने पकौड़ियों को तलना। और मैं ना पहले बहुत क्विक क्या करती थी कि पकौड़ियाँ नहीं डालती थी और करी बना के और प्लेन बूंदी आती है ना, बूंदी के साथ ये रेसिपी करी बना लिया करती थी, बूंदी डाल देती थी इस पकौड़ी की जगह पे। पर मेरे हस्बैंड को क्या है कि उनको पकौड़ी ही ज़्यादा पसंद है, तो वो करी इसीलिए खाते हैं कि पकौड़ी होती है। तो वरना मैं अपने मायके में शादी से पहले क्या करती थी, करी बन जाती थी और हम लोग बूंदी से बना लिया करते थे, पकौड़ी बनाते नहीं थे। वो छोटी छोटी बेसन की ऐसी ही होती है, बट वो थोड़ी ज़्यादा घुल जाती है। बट मेरे हस्बैंड को जो कि इतनी ज़्यादा पसंद है पकौड़ी, तो फिर मैं अब प्रॉपर पकौड़ी बना के और तब करी बनाती हूँ। और मैं इसमें ये वाली पकौड़ी तो डालती हूँ, मैं इसमें पालक के पकौड़ी भी डालती हूँ, वो और ज़्यादा अच्छी बनती है गाइस, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो पकौड़ी को आप ऐसे भी खाएंगे ना तो बहुत क्रंची लगेगी, हालांकि ये भी मेरे हस्बैंड ऐसे खा जाते हैं, आधी तो वह ऐसे ही चट कर जाएंगी अभी। तो हमारी सारी पकौड़ियाँ हो गई थी रेडी, तो अब हम बनाएंगे अपनी करी, जिसके लिए हम करेंगे एक बैटर तैयार। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे दही, ये है कुछ 150 ग्राम का मेरे पास कप था दही का, तो वो दही लेंगे हम। उसमें ऐड करेंगे हम अपने सारे मसाले। सबसे पहले हम ऐड करेंगे उसमें बेसन, 2 टेबलस्पून मैंने भर के बेसन डाला है, 2 से 2.5-3 टेबलस्पून भी आप आराम से इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मसाले, एज यूजुअल हमने ऐड किया हल्दी और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। और फिर इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा चॉप्ड अनियन और चॉप्ड बिल्कुल बारीक चॉप्ड जिंजर गार्लिक, इन सबको मैं इसमें ऐड करूंगी। उसके बाद अच्छे से मिक्स करूंगी और उसके बाद हम इसका बनाएंगे, पहले थोड़ा थिक पेस्ट बनाएंगे क्योंकि उससे क्या होता है ना, लम्स ख़त्म हो जाते हैं। और फिर जब वो अच्छे से बिल्कुल भी लम्स फ्री बैटर हमारा थोड़ा सा थिक बैटर रेडी हो जाएगा, तो फिर हम उसमें वाटर ऐड करके उसको बिल्कुल थिन बनाना है, हमें बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं रखना है क्योंकि वैसे भी बेसन पकेगा तो वो गाढ़ा हो जाएगा। तो हम लोग इसमें अब ऐड कर लेंगे अपना पानी और उसके बाद बनाएंगे एक बिल्कुल ही थिन बैटर। तो ये हमारा थिक बैटर रेडी हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना पानी और इसको कर लेंगे पतला। और इस बाउल में जितना पानी अटेगा मैं अभी उतना ऐड कर दूंगी और उसके बाद फिर जब मैं इसको कढ़ाई में डालूंगी तो बाउल को वॉश करके और आधा बाउल के अराउंड पानी डाल दूंगी। पानी डालने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वाटरी कंसिस्टेंसी ही होनी चाहिए इसकी, सो दैट जब वो पके तो वो थिक हो जाए।
यहाँ पे मुझे कलर बहुत ही फीका सा लग रहा था, तो मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा और हल्दी का पाउडर। उस टाइम पे क्वांटिटी के हिसाब से आइडिया नहीं लगा था, तो मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि फीका फीका खाना कलर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हमने और भी ज़्यादा पानी ऐड करके इसको थिन कर दिया। एक तरफ मैंने चढ़ा दी अपनी कढ़ाई, उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और आप देख पा रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा कम ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप भी बहुत ज़्यादा करी में यूज़ ना करें, ऑयल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने फ़ौरन में डाला है मेथी, सरसों, मेरे पास ड्राइड करी लीव्स थे तो मैंने वो यूज़ किया, आपके पास फ्रेश हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और रेड चिली और थोड़ा सा हींग, उन सबको डाल के मैंने अपना जो बैटर है उसको उसमें डाल दिया, और मैंने बाउल में उसको फिर से वॉश करके और वो पानी भी उसमें डाल दिया। अब इसको हमें घुमाते हुए चलाना है जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। तब तक हम इसको कोशिश करेंगे कि चलाते ही रहें बीच बीच में, बहुत ज़्यादा देर के लिए ना छोड़ें और एक ही डायरेक्शन में घुमाएं। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार बहुत सारे लोगों की ना ये होती है कि करी फट जाती है। मेरी तो आज तक करी नहीं फटी है, बट बहुत सारे लोगों का होता है कि करी फट जाती है। तो उसको बहुत, मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि एक डायरेक्शन में घुमाएं, और जब तक उसमें उबाल ना आ जाए तब तक ही उसमें स्कोप होता है फटने का। तो इसलिए उस उबाल आने तक उसको मैं तो चलाती रहती हूँ। और ये देखिए मेरी करी में एकदम अच्छी उबाल आ गई है, और इसका जो कंसिस्टेंसी है वो भी गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं इसको कर दूँगी बंद, और अब मैं करूँगी प्लेटिंग। प्लेटिंग करने के बाद हमें एक और तड़के की तैयारी भी करनी है। देखिए कितनी अच्छी, कितनी क्रीमी टेक्सचर दिख रहा है ना इसका। तो अब हम कर रहे हैं प्लेटिंग, उसके ले लिया है मैंने प्लेट। अब हम उसमें डालेंगे अपने थोड़े से पकौड़ियाँ, और उसके ऊपर डालेंगे हम अपनी करी। और मैं बहुत ज़्यादा बाद में तो डाल ही देती हूँ, बट पहले जब सर्व करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा देर तक अगर आपकी पकौड़ियाँ उसमें रह जाए, मेरी तो इतनी सॉफ्ट होती हैं पकौड़ियाँ कि वो फिर टूट जाती हैं अगर आप उसको केयरफुली ना निकालो। और ये देखिए साइड में ना मेरे प्लेट में वो एक दो ड्रॉप करी गिरती ही गिरती है। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है सब्जी वब्जी सर्व करने में तो मुझे बताएं। तो ये है नेक्स्ट तड़के की तैयारी, जो फाइनल तड़का है ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मैंने शुरू में बहुत कम ऑयल डाला था, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा ही घी ले रही हूँ, और उसमें हम ऐड करेंगे साबुत जीरा, साबुत धनिया, दैट्स इट। और उसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद, और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो उसको, कश्मीरी रेड चिली पाउडर को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है वरना वो जल जाएगी, और हमें उसको ऐड करते के साथ ही उसको, उसका तड़का जो है लगा देना है। तो उसको हम लगा देंगे अपने करी के ऊपर तड़के। ये देखिए मेरा तो करी जो है वो तड़का लग के रेडी हो गया है, यम्मी दिख रहा है। इसको आप एकदम गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व करेंगे ना, सैलड के साथ, तो क्या बताऊँ, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब बहुत ही यमी बना है ये, और बहुत ही सॉफ्ट है इसका जो पकौड़ी है। मैं इसको एक्चुअली दिखाना, कट करके क्लिप लेना भूल गई, बट मैं आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करी बनी थी। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, और डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आपकी कैसी बनी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज़।